नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए बात करते हैं आज के दिन भर की कुछ बड़ी खबरों की। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा कितने व्यापक स्तर पर हुई है, इसकी भयावह तस्वीर अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। हिंसाग्रस्त इलाकों में उपद्रवियों ने घरों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में अब तक करीब 35 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं काफी लोग अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के भड़की हिंसा में बेमौत मारे गए भारतीय खुफिया एजेंसी के सुरक्षा सहायक की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं और पता चला है कि अंकित शर्मा घटना वाले दिन घर से बाहर निकले तो उपद्रवियों को शांत करने के लिए थे, लेकिन देखते ही देखते वे खुद ही भीड़ के बीच पीड़ित के बतौर बुरी तरह फंस गए। वहीं जनता दल यूनाइटेड के पूर्व उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर कंटेंट चोरी करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पटना के एक पाटलिपुत्र थाना में FIR दर्ज कराई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और हालात को संभालने के लिए केंद्र के शीर्ष अधिकारियों को सड़क पर उतरना पड़ा। फिलहाल अब हालात शांत होते दिख रहे हैं। इन संकट के हालात में एक चेहरा जो हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करता हुआ दिखा, वो था NSA प्रमुख अजीत डोभाल। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा का खौफनाक मंजर याद करते हुए पीड़ितों ने अपनी आपबीती बताई। किसी को मकान मालिक ने घर से निकाला तो कोई पथराव में हुआ घायल। आपबीती बयां करते हुए मोहम्मद आसिफ ने बताया कि कैसे उनके मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया और दंगाइयों की उन्मादी भीड़ ने लोहे की छड़ों से उनकी ऐसी पिटाई की कि उन्हें गंभीर चोटें आ गई हैं। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दिल्ली में लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की और कहा कि कोई भी खून खराबा नहीं चाहता है। CM ने मीडिया से कहा कि हम किसी का खून नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरोगेसी बिल में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिसमें कहा गया है कि इच्छुक महिला सरोगेट माँ बन सकती है और विधवा या तलाकशुदा महिला को भी 5 भारतीय कपल्स के लिए सरोगेसी का अधिकार होगा। वहीं नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी ही अगली खबर है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर हिंसा भड़काने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिससे ताहिर हुसैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन तस्वीरों को साफ देखा जा सकता है कि ताहिर हुसैन की छत पर पेट्रोल बम और पत्थर तथा ईंटों के टुकड़ों का जखीरा मिला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की मौत के लिए एक बार फिर आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा किया कि अंकित शर्मा को घसीट करके ताहिर हुसैन के लोग ले गए और उनकी हत्या कर दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश S. मुरलीधर का गुरुवार शाम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से तबादला कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कुछ दिन पहले 12 फरवरी को ही उनके ट्रांसफर की सिफारिश की थी। जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे थे और गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दिल्ली में हुई हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 28 तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होनी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के बाद कई जगहों पर अभी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।